नमस्कार, मैं अंकुर पांडे और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते वो लगातार बीजेपी के निशाने पर भी बने हुए हैं। पहले केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया के घर ईडी ने छापेमारी की, तो अब उनके ही मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ पहले विवादित बयान दिया और फिर केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते केजरीवाल एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। अरविंद केजरीवाल, ये वो नाम है जो पिछले काफी दिनों से अपने मंत्रियों के चलते विवादों में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पहले सत्येंद्र जैन ने किरकिरी कराई, फिर मनीष सिसोदिया शराब नीति को लेकर ईडी के निशाने पर आए, तो अब केजरीवाल सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विवादित बयान देकर बीजेपी के निशाने पर हैं। केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान को लेकर विवाद छिड़ गया, जहां विपक्ष उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी घेरने लगा। खासकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर ज्यादा हमलावर है। इस विवाद का असर दिल्ली से लेकर गुजरात तक नजर आया। गुजरात बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं, जिसे लेकर कई ट्वीट भी किए गए। बता दें कि केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही सियासी गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। वो एक कार्यक्रम में बौद्ध संतों के साथ शपथ दिलाते दिखाई दे रहे हैं। शपथ के समय राजेंद्र पाल गौतम मंच पर ही मौजूद दिखाई दिए, जिसमें कहा जा रहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। बताया जा रहा है कि विजयादशमी के दिन दिल्ली के करोल बाग स्थित अंबेडकर भवन में राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ था। बहरहाल मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के इस वीडियो को लेकर सियासत चरम पर है। सीएम केजरीवाल लगातार बीजेपी के निशाने पर बने हुए हैं। दिल्ली से गुजरात तक आम आदमी पार्टी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान कहीं आगामी चुनाव में ना झेलना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।